प्रस्तुत है कार्यक्रम सिनेमा घर। सिनेमा घर कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपकी मित्र नीता अग्रवाल। साथियों, सिनेमा घर कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है वर्ष 1962 प्रदर्शित फिल्म चाइना टाउन। फिल्म की कहानी लिखी रंजन बोस ने, गीतकार रहे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीत रवि का, पार्श्व गायन स्वर रहे मोहम्मद रफी, आशा भोसले और मीनू पुरुषोत्तम के। मित्रों, आगे जाकर वर्ष 1968 में यही फिल्म तमिल भाषा में भी बनी थी। फिल्म के मुख्य कलाकारों के नाम, चरित्र नाम सहित आपको बताई देते हैं साथियों, जिससे कि फिल्म की कहानी समझना और भी आसान हो जाएगा हम सभी के लिए। तो बताए देते हैं नाम और चरित्र नाम भी। शम्मी कपूर हैं डबल किरदार में, जी हाँ, शेखर और शंकर, जो शंकर है वो माइक के नाम से भी जाने गए हैं। शकीला रीता रॉय, हेलेन सूजी, मदनपुरी जोसेफ वोंग, टुनटुन महाकाली के नाम से हैं। राशिद खान सुंदरम है महाकाली के पति। एस एन बनर्जी राय बहादुर दिगंबर प्रसाद राय, जो रीता के पिता की भूमिका में हैं। कन्नू रॉय सीनियर इंस्पेक्टर दत्ता। मृदुला रानी है शेखर और शंकर की मां के रोल में। एम बी शेट्टी चिंग ली के किरदार में हैं। केशव राणा उस्मान के रोल में हैं। केशतु मुखर्जी केशो के नाम से हैं। सुजीत कुमार बने हैं इंस्पेक्टर। और अन्य कई कलाकार भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं साथियों इस फिल्म में। मित्रों, इस फिल्म के दो गीतों के शब्द ऐसे लोकप्रिय शब्द रहे हैं जो इन गीतों में तो लोकप्रिय रहे ही, आगे जाकर भी इन शब्दों का इस्तेमाल हुआ गीतों में भी और फिल्म शीर्षक के रूप में भी। जब गीत सुनेंगे तो स्वयं ही तुरंत जान जाएंगे आप। और हाँ, ये भी अवश्य जिक्र करें कि वर्ष 1978 प्रदर्शित सुपरहिट लोकप्रिय सदाबहार फिल्म की कहानी भी इसी फिल्म यानी 1962 रिलीज फिल्म चाइना टाउन से उद्धृत रही। कहानी सुनेंगे तो स्वयं ही जान जाएंगे आप, जैसे कि गीतों के शब्द जान पाएंगे। शम्मी कपूर की दोहरी भूमिकाएं लिए इस फिल्म की अवधि रही 2 घंटा 20 मिनट। अब बढ़ते हैं 1962 प्रदर्शित फिल्म चाइना टाउन की कहानी और गीतों की ओर। मित्रों, 1962 रिलीज ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म चाइना टाउन का आरंभ नंबरिंग से, जहां चाइना टाउन फिल्म के जो दृश्य हैं वो आ रहे हैं। अब टाउन के दृश्य नहीं है, लेकिन हाँ, बदलते दृश्य हैं यहाँ पर नंबरिंग के साथ साथ, और जहाँ गीत भी है पार्श्व में। और चाइना टाउन के जो दृश्य हैं स्क्रीन पटल पर आ रहे हैं। और फिल्म का शीर्षक गीत साथियों आ रहा है, कौन सा वाला गीत? अब गीत तो है ही शुरू में, तो बिल्कुल हम भी आपको शुरू में ही सुनवाएंगे वो गीत। तो नंबरिंग में जो गीत आ रहा है पार्श्व में वो है ये वाला। Oh,
इस गीत में नंबरिंग के दृश्य बदलने के साथ साथ एक क्लब का सीन है जहां डांसर सूजी डांस कर रही है और गा रही है यही वाला गाना, जहां कुछ लोग डांस भी कर रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ आनंद ले रहे हैं। गीत संगीत कहा, यहाँ जोसेफ वोंग भी नजर आ रहे हैं बिल्कुल चाइना का गेटअप लिए। अब गीत के बाद के दृश्य की ओर बढ़ते हैं। जोसेफ अपने साथियों से, माइक किधर है? अब माइक का सीन, माइक बाथटब में एक मैगजीन के पन्ने उलट पुलट कर रहा है। यहाँ जोसेफ की एंट्री, कहता है माइक से कि 8:30 तुमको उधर पहुंचने को मांगता, 8 बज गया। माइक, माइक टाइम के साथ नहीं, टाइम माइक के साथ चलता है। अब माइक तैयार हो रहा, डांसर सूजी का प्रवेश, माइक से बातचीत, लेकिन माइक उससे बहुत प्यार से बात नहीं करता। अतः सूजी नाराजगी भरे स्वर में कहती है, हमेशा हमारा दिल तोड़ने की बात करता। अगला दृश्य जहां माइक किसी को मिलने जाता है, वहीं पर एक बैगर भी नजर आ रहा है। माइक उसे कुछ पैसे भी दिए देता है, लेकिन दूसरे ही पल कैमरा फोकस होता है उस भिखारी बने व्यक्ति पर। उसके चेहरे के हाव भाव ऐसे हैं जैसे वो भिखारी नहीं बल्कि कोई खुफिया एजेंट हो। सीन आगे बढ़ता है, माइक एक बैग लेकर वहां से बाहर, जैसे ही गाड़ी की ओर, दो व्यक्ति जीप से उसके पीछे पीछे। माइक अपनी गाड़ी तेज गति से दौड़ाता है और अंततः गाड़ी टकराने के कारण ड्राइविंग सीट पर ही घायल हो बेहोश हो जाता है। अब अगले दृश्य में एक क्लब का दृश्य है जहां उद्घोषणा हो रही है कि अब आपके बीच है शेखर। अब यहाँ शेखर का प्रवेश, जो एक गिटारिस्ट है। यहाँ शेखर बताता है कि जिससे मुझे मोहब्बत है वो यहीं पर है। कैमरा फोकस होता है वहीं पर बैठी नायिका शकीला की ओर। शकीला, जिनका फिल्म में नाम है रीता। यहाँ क्लब में शेखर द्वारा गाया जा रहा है ये गीत। हजार बार देखो कि देखने की चीज है हमारा दिल रुबा डाले हो। ओ बार बार देखो, हजार बार देखो कि देखने की चीज है हमारा दिल रुबा डाले हो। Thank you.
है दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ है। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। ये बेमिसाल हुस्न लाजवाब ये अदा टाले हो, टाले हो, टाले हो। बार बार देखो, हजार बार देखो, के देखने की चीज है हमारा दिल रुबा। टाले हो, टाले हो, टाले हो। महफिल मिला या चिराग मंजिल मिला, ये ना पूछो के कहा। नया नया ये आशिकी का राज है मेरा। टाले हो, टाले हो, टाले हो। बार बार देखो, हजार बार देखो, के देखने की चीज है हमारा दिल रुबा। टाले हो, टाले हो, टाले हो। बल्ले बल्ले मिस्टर क्यों चले, प्यार पे मेरे कहो क्यों जले, बैठ भी जाओ मेहरबान। बल्ले बल्ले उठ के मिस्टर क्यों चले, प्यार पे मेरे कहो क्यों जले, बैठ भी जाओ मेहरबान। दुआ करो मिले तुम्हें भी ऐसा दिल रुबा। टाले हो, टाले हो। वैसे साथियों, यहाँ ये जिक्र अवश्य करें कि टार्ली हो का अर्थ है आसमान में चमकने वाला, चमकते सितारों का प्रशंसनीय समूह। इस टार्ली हो गीत के उपरांत दृश्य बदलता है रीता और शेखर की प्यार मनुहार वाली बातें। शेखर रीता को उसके घर तक छोड़ने आया है। शेखर रीता के पिता से विवाह हेतु बात करने के लिए मिलना चाहता है उनसे, लेकिन वो मना कर देती है। या अब रीता के पिता बंदूक लेकर, क्योंकि उन्होंने देख लिया है दोनों साथ साथ हैं, रीता के सामने। हंसे अंदाज भी है यहाँ पर उनका कुछ। रीता झूठ बोलती है कि सहेली से मिलने गई, लेकिन पिता जानते हैं कि क्लब में गाना गाने वाले शेखर से मिलने गई थी। पिता हुक्म सुना देते हैं, अब हम कलकत्ता वापस जाएंगे, वहां तुम्हारी शादी कर देंगे। अब रीता दुखी हो जाती है। पिताजी चले जाते हैं, यहाँ शेखर का प्रवेश हो जाता है। वो कहता है, मैंने सब कुछ सुन लिया है, जहां तुम वहां मैं। पिताजी भी आ जाते हैं बंदूक लेकर शेखर को ढूंढते ढूंढते। अगला दृश्य शेखर के घर का है, जहां माँ है, एक लड़का और है। शेखर माँ से कहता है, मैं काम के लिए कलकत्ता जा रहा हूँ। अब इसके बाद का जो सीन है, रीता ट्रेन में है पिता के साथ। यहाँ साधु के वेश में आ गए हैं अब शेखर। यहाँ वो पिताजी को भविष्यवाणी भी सुनाते हैं अपनी की उनकी बेटी के बारे में, कि जो इनका पति है वो बहुत ही सुंदर युवक होगा, संगीत प्रेमी होगा। और यहाँ इसी भविष्यवाणी को सुनाते सुनाते वो गाना भी गाते हैं। हाँ, यहाँ केस्टो नाम का एक युवक भी है जो इस गीत संगीत और बातचीत का खूब आनंद ले रहा है। और हाँ, एक पालतू बिल्ली भी है पिता की गोद में बैठी हुई। और शेखर साधु के वेश में गा रहा है ये गाना।
देखो जी एक बाला जोगी मत वाला जोगी द्वार तेरे आयो री देखो जी एक बाला जोगी मत वाला जोगी द्वार तेरे आयो री देखो जी एक बाला जोगी कि मैं अखियों में प्यास लिए आया हूँ द्वार तेरे मिलने की आस लिए तेरे तरस कि मैं अखियों में प्यास लिए नैनों के पट खोल दीवानी कुछ बोल दीवानी मुखड़ा काहे छुपायो री देखो जी एक बाला जोगी मत वाला जोगी द्वार तेरे आयो री देखो जी एक बाला जोगी पे भजन एक नाम का है ना किसी देश का है ना किसी काम का है जोगी के मुख पे भजन एक नाम का है मिलन का सहारा लेके एक तारा लेके मन का राग सुनायो री देखो जी एक बाला जोगी मत वाला जोगी द्वार तेरे आयो री देखो जी एक बाला जोगी तेरा ये दुनिया माने ना माने काहे ये रूप धारा कोई ना भेद जाने तू मेरी मैं तेरा ये दुनिया माने ना माने मैंने तो तेरा हो के दीवाना देखा सारा जमाना चैन कहीं ना पायो री देखो जी एक बाला जोगी मत वाला जोगी द्वार तेरे आयो री देखो जी एक बाला जोगी। और गीत के अंत में क्या होता है, शेखर की जो नकली मूछ होती है ना वो निकल जाती है। अब पिता खूब नाराज होते हैं उस पर। अब बढ़ चलते हैं हम अगले दृश्य की ओर, जहां पिता केष्टो रीता और रीता की जिनसे शादी होने जा रही है वो नवयुवक गाड़ी चला रहा है। सब गाड़ी में है और शादी की बातें हो रही हैं। इस युवक को चौधरी कहकर संबोधित किया जा रहा। अब घर पहुंच करके शेखर भी इनके पीछे पीछे चुपचाप से आ जाता है और यहाँ रीता और शेखर की दोनों की प्यार भरी बातें। लेकिन पिता यहाँ भी इन दोनों को देख लेते हैं। पुलिस थाना पहुंच जाते हैं शिकायत दर्ज करवाने के लिए शेखर के खिलाफ। यहाँ चौधरी भी है और पुलिस इंचार्ज है और अदाकार सुजीत है यहाँ पर पुलिस की भूमिका के रोल में। यहाँ एक व्यक्ति ये भी पूछने आया है फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट आ गई है, तो इंस्पेक्टर कहते हैं नहीं। यहाँ एक व्यक्ति मिस्टर दत्ता नाम से है, वो शेखर को एक अलग कमरे में ले जाता है, अपनी जेब से एक तस्वीर निकालता है जो हूबहू शेखर के जैसी है। हाँ, गेटअप थोड़ा अलग है। शेखर को कहते हैं कोई दूसरा काम क्यों नहीं करते, तो शेखर बताता है कि मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मैं दूसरा काम कैसे कर सकता हूँ। वो आदमी कहता है मेरे लिए काम करो, पैसा भी इज्जत भी, लेकिन काम रिस्की है, जिम्मेदारी वाला है। शेखर बिल्कुल एकदम से तैयार हो जाता है और कहता है कि भाई जान भी हाजिर है, अगर ऐसा काम है तो मैं बिल्कुल करूंगा।
आदमी उसे ले जाता है जेल में। जेल में घायल पड़े उसके हमशक्ल के पास, दूर से उसको दिखाता है वो। तो शेखर हैरान, हो बहू उसके जैसा व्यक्ति। अब यह जेल वाला व्यक्ति जो माइक है, वास्तव में वो दवाई वगैरह नहीं ले रहा है, घायल अवस्था में है, फेंक रहा है दवाई, उल्टा सीधा बोल रहा है, रौब दिखा रहा है नर्सों पर, डॉक्टर्स पर, नर्स डॉक्टर्स पर। उसे कहा जा रहा है कि सरकारी गवाह बन जाओ, लेकिन माइक नहीं मान रहा। इंस्पेक्टर शेखर को बताता है ये माइक है चाइना टाउन गैंग का सबसे खतरनाक मुजरिम, और इसका एक्सीडेंट ना हुआ होता तो हमारे हाथ कभी ना आता, लेकिन इसने अभी भी अपने काम और अड्डों के बारे में कुछ नहीं बताया। अब इंस्पेक्टर दत्ता पेशकश रखते हैं कि माइक के सामने आते हैं जो इन्होंने, वो बताते हैं कि भाई हमको बताओ तुम कि कौन से अड्डे हैं तुम्हारे, क्या है, लेकिन बिल्कुल भी वो नहीं बताता। अब ये सब देख रहा है शेखर। अब वो शेखर को बताते हैं कि अब तुम्हें करना ये है शेखर, तुम्हें माइक बन के जाना होगा चाइना टाउन गैंग में शामिल होने। अब शेखर हैरान परेशान कि भाई मैं सीधा साधा आदमी, कहाँ गैंग में मुझे फंसा रहे हो तुम। लेकिन इंस्पेक्टर बहुत समझाते हैं तो शेखर राजी हो जाता है। शेखर को अब पूरी की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है इस मामले में, यानी माइक बनने की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। वहां के गैंग के लोगों से परिचित करवाया जाता है एक वीडियो के माध्यम से। क्लब डांसर सूजी से भी परिचित कराया जाता है, माइक से, वोंग से, सभी से परिचित करवाया जाता है उसे वीडियो के माध्यम से। और माइक कैसे हंसता है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे लड़कियों से बात करता है, कैसे गैंग से बात करता है, सभी कुछ सिखाया जाता है शेखर को। साथियों, यहाँ आप समझ पा रहे हैं ना कि किस फिल्म की स्टोरी है ये, आगे जो उद्धृत की गई, जो हमने कहा था। बताएंगे हम भी बताएंगे आपको, पहले आप जरा सोचिए। तो वैसे तो हम जानते हैं कि आपके दिमाग में बिल्कुल आ गई होगी ये बात कि कौन सी फिल्म। बढ़ चलते हैं अगले सीन की ओर। ये विशेष प्रशिक्षण पूर्ण होते ही शेखर चला जाएगा माइक बनके चाइना टाउन गैंग के खात्मे की ओर। और इससे पहले वो रीता से मिलता है, रीता से मिलता है, प्यार भरी बातें होती हैं और होता है ये गाना। न पूछो हम कहाँ चले, हमसे न पूछो हम कहाँ चले, ये दिल जहाँ ले चला वहाँ चले। नजारे पीछे पीछे, बहारे पीछे पीछे, दीवानों का जिधर कार वो चले। हमसे न पूछो हम कहाँ चले। मैया पे चले
बहक गए जब होले से पानी में दहक गए शोले से ओ नैया पे चले जब होले से पानी में दहक गए शोले से कहो कहाँ चले हमसे न पूछो हम कहाँ चले हमसे न पूछो हम कहाँ चले ये दिल जहाँ ले चला वहाँ। अब इस गीत के बाद के अगले दृश्य की ओर बढ़ते हैं जहाँ शेखर अपनी माँ को बता रहा है अपने जाने के बारे में अपने काम के बारे में और सारी असल बात भी बताता है। वो माँ सोच में पड़ जाती है कि शेखर जैसा व्यक्ति हूबहू वैसा ही व्यक्ति, फिर कुछ सोचते हुए कुछ नहीं बोलती। लेकिन आधी रात में माँ को रोता देख शेखर पूछता है, फिर रोते हुए माँ बताती है कि ये माइक शायद तेरा भाई ना हो। अब शेखर हैरान, भाई? माँ आगे बताती है, आज से 20 साल पहले की बात है, इस शहर में एक होटल में वायलिन बजाते थे तेरे पापा। चाइना टाउन के बदमाशों का इनके जरिए अफीम का व्यापार चलता था। बदमाश इनके वायलिन में अफीम छिपाकर भेज देते थे, उन्हें ना पता था। पता चला तो पुलिस में बताया और एक रात पति रामलाल के दोस्त कहकर दो व्यक्ति आए। पति के ना मिलने पर मेरे सोते हुए दो बच्चों पर नजर गई और एक बच्चे को जबरदस्ती उठाकर ले गए। मैं रोती रही, चिल्लाती रही, रोकती रही, चीखती रही, लेकिन वो बोले रामलाल को भेजो और बच्चा ले लो। वो मेरे शंकर को ले गए और तेरे पिताजी की जान भी ले ली जब वो अपने बच्चे की तलाश में वहां गए। माँ ने कहा, मुझे भी एक बार ले जाना वहां। अब माँ जेल में घायल माइक के पास बताती है कि मैं ही तुम्हारी अभागिन माँ हूं शंकर, शंकर शेखर के भाई। माइक कहता है, मैं जीवन में बिल्कुल अकेला हूं। माइक बुरा भला कहूं कह करके माँ को भगा देता है वहां से कि ये समझ करके, और ये कहता है कि कोई ट्रिक है ये पुलिस की जिसके तहत तुम आई हो यहां पर। माँ माँ कह रही हो, भाई भाई कर रही हो। अब माँ इंस्पेक्टर को बताती है सच्चाई, यही वाली जो अपने बेटे को उन्होंने बताई शेखर को। या शेखर ये भी कहता है इंस्पेक्टर से कि वक्त आने पे मेरे भाई का बचाव करना। इंस्पेक्टर कहते हैं, मैं जरूर कोशिश करूंगा। अगले दिन अखबारों में खबर, माइक सरकारी गवाह बन गया। अब गिरोह के दो लोग घायल माइक को लेने अस्पताल में, और मौका पाते ही अस्पताल बेड पर बेहोश अवस्था में लेटे माइक पर चाकू से वार करते हुए। लेकिन उससे पहले ही माइक बना शेखर उठ जाता है। गिरोह सदस्य बताते हैं कि तुम सरकारी गवाह बन गए हो। माइक उर्फ शेखर कहता है, माइक कोई सरकारी गवाह बना दे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। माइक को कोई सरकारी गवाह नहीं बना सकता। अब सदस्यों को विश्वास आ जाता है माइक का। माइक बताता है, ये तो सूचना इसलिए दी थी कि तुम हमारे तक पहुंचो, मुझ तक पहुंचो और मुझे यहां से भगा कर ले जाओ किसी तरह। अब तीनों वहां से भाग लेते हैं और इंस्पेक्टर ये सब देखते हुए इसलिए क्योंकि वो तो शेखर है जो उनकी प्लानिंग का एक हिस्सा है, जो माइक बनकर उनके गैंग में शामिल होने जा रहा है। माइक रास्ते में बताता है, मुझे पता था तुम मुझे मारने आओगे, मेरे सरकारी गवाह बनने का पता चलते ही और मैं तुम्हारे साथ भाग जाऊंगा। दोनों माइक के शातिर दिमाग की तारीफ भी करते हैं। यहाँ बॉस वोंग मिलता है, स्वागत करता है, चिंगले मिलता है और एक और साथी सूजी भी जो डांसर है। यहाँ सूजी अपनी प्यार भरी बातें भी करती है अपने माइक से। माइक भी कहता है कि मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया। इतने में पुलिस आने का पता चलता है। सूजी द्वारा एक बटन दबाया गया और खुफिया रास्ते से उसे अंदर कर देती है। वोंग बताता है, हमारे होटल में कोई गड़बड़ नहीं है। पुलिस इंस्पेक्टर चले जाते हैं। अब सब खुश है, माइक वापस आ गया है। वोंग एजेंट की लिस्ट देता है कि माल आ रहा है। वो उसे नशा भी ऑफर करते हैं क्योंकि माइक नशे का आदि है, लेकिन माइक बना शेखर नहीं लेता नशा। और अब क्लब में हो रहा है ये गीत, वही गीत साथियों जिसके शब्दों के बारे में बात कर रही थी। Thank you.
यम्मा यम्मा आगे भी गीत में शामिल हुआ और खुशी का पर्याय भी बना। लोक रुचि से ये शब्द यम्मा यम्मा और बार बार देखो वो गीत भी हम प्ले कर चुके हैं। कहाँ इस्तेमाल हुआ फिल्म शीर्षक में और गीत में बिल्कुल आप जानते हैं ये। और आगे बेहोश फिलिप नाम के एक व्यक्ति की जेब में एजेंट लिस्ट डालकर शेखर बन जाता है माइक। जी हाँ, शेखर बना माइक। गिरोह के लोगों को बताता है कि ये चोरी कर रहा था यहाँ, और फिर एजेंट लिस्ट फिलिप की जेब से मिलती है वोंग को। यहाँ माइक कहता है, यही पुलिस को सूचनाएं दे रहा था, मैं इसे खत्म कर दूंगा, आप चिंता ना करो। यहाँ एक व्यक्ति गिरोह का कुछ शक भी दर्शाता है। यहाँ पर माइक पर कहता है, इसे होश में तो आने दो, और बेहोश फिलिप को पहुंचा देता है सीधा इंस्पेक्टर के पास शेखर बना माइक। इंस्पेक्टर बताता है कि होटल के बाहर एक भिखारी के रूप में अपना बंदा बैठा है, हेल्प की जरूरत लगे तो उसे कांटेक्ट करना। यहां से रीता को मिलने का एक टाइम फिक्स करता है शेखर फोन पर, गंगा किनारे रात 8 बजे। लेकिन वोंग तभी बताता है, उस्मान को लेकर जाओ, जॉन माल ला रहा है जहाज पे 8 बजे। अब रीता इंतजार कर रही है रात 8 बजे, लेकिन शेखर माल लेने जगह वही है गंगा किनारे। अचानक पुलिस सब भागते हैं, ऐसे में गिरोह के दो लोग शेखर उर्फ माइक रीता की गाड़ी में जबरदस्ती बैठ जाते हैं। माइक आगे चलकर अपने दो लोगों को गाड़ी से बाहर कर देता है, पुलिस की गाड़ी भी पीछे पीछे माइक के। दाढ़ी रखा माइक रीता को अपनी दाढ़ी हटा करके अपनी पहचान दिखलाता है। रीता गुस्सा भी करती है कि अच्छा तुम ये सब करते हो, गाड़ी रोको, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, कोई रिश्ता नहीं रखना। लेकिन शेखर उसे ले जाता है कहीं, एक घर दिखता है, बहुत समझाता है वो रीता को, और घर का वहां दरवाजा खटखटाता है। अंदर है टुनटुन यानी महाकाली और उनके पति, उन्हें वहां पनाह मिल जाती है रात भर के लिए। शेखर बाहर चला जाता है फोन करने, इंस्पेक्टर दत्ता को कॉल करके आता है रीता के पास। दोनों के संवाद, अब इंस्पेक्टर जय महाकाली होटल जहां पुलिस बुला रखी है शेखर ने, अब यहां इंस्पेक्टर द्वारा रीता को भी साफ साफ सच सच बता दिया जाता है शेखर के बारे में कि वो सरकारी गवाह है। अब खुशी खुशी शेखर रीता को घर छोड़ने जाते हुए गाड़ी से, और प्यार भरे संवाद और ये वाला गाना, कुछ तेरा फसाना है कुछ मेरी कहानी है,
अगले दृश्य में फिर से माल ले जाने के लिए तैयारी में गिरोह। माइक तैयार है, बस जूते पहनने हैं। उसे रूटीन में जूता पहनाने वाला चिंगली जब माइक को जूता पहनाता है तो वो ठीक नहीं आता माइक को। वो शक करते हुए कहता है, ये जूता आपको नहीं आ रहा माइक, तुम्हारा पैर बड़ा हो गया है। माइक कहता है, ये सब भांप भी जाता है कि भाई ये बात भांप ले रहा है ये व्यक्ति, क्योंकि मुझे तो ये जूता ठीक नहीं आता। फिर वो क्या करता है, जबरदस्ती उस जूते को अपने पाँव में पहन लेता है और कहता है, नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब चलता है तो कदम डगमगा कर, क्योंकि जूते का साइज तो वो होता ही नहीं ना, छोटा होता है वो जूता, जिसे भांप लेता है चिंगली। और बाहर आ माइक भिखारी को कुछ लिख करके दे देता है, यानी अपने ही व्यक्ति को जो वहां पर बैठा हुआ है कुछ लिख करके दे देता है, एक चिट बना करके, ऐसा लगे जैसे कुछ पैसे दिए हों भिखारी को। अब उस्मान और माइक माल लेने कहीं मीर मुनीर मेहता उर्फ चिन चिन चू, वहां दो महिलाएं भी हैं उनके पास साथ, जिनमें से एक है का नाम है रोशनारा बेगम। यहाँ हो रहा है ये गाना रोशनारा बेगम द्वारा। अल्लाह कसम, बड़ा कातिल है मेरा यार चिना चिन चिन चू, बड़ा कातिल है मेरा यार चिना चिन चिन चू, बड़ा कातिल है मेरा यार चिना चिन चिन चू। हाथ में तीर न तलवार चिना चिन चिन चू, हाथ में तीर न तलवार चिना चिन चिन चू। ये नाज पे जिस नाज पे लैला मिट जाए, हाय ये नाज के जिस नाज पे लैला मिट जाए, हाय ये हुस्न के जिस हुस्न पे दुनिया लुट जाए। दिल इसे देखे तो मुश्किल है के खामोश रहे, मेरा जिम्मा है किसी को भी अगर होश रहे। हाय 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 सकते है कुछ ऐसा मेरा दिल दार चिना चिन चिन चू, बड़ा कातिल है मेरा याद चिना चिन चिन चू, बड़ा कातिल है मेरा याद चिना चिन चिन चू, बड़ा कातिल है मेरा याद चिना चिन चिन चू। हाथ में तीर न तलवार चिना चिन चिन चू, हाथ में तीर न तलवार चिना चिन चिन चू। मैं इनकार चिना चिन चिन चू, बड़ा कातिल मेरा दिलदार चिना चिन चिन चू, बड़ा कातिल मेरा दिलदार चिना। और इस गीत के अंत में शेखर नीचे खड़ी पुलिस को इशारा करते हुए और माल लेते हुए इसके बाद अचानक पुलिस का प्रवेश, गिरफ्तार कर लेते हैं इन्हें। शेखर और उस्मान तो पहले ही भाग लिए हैं। अब चिंग ली माइक को बताते हुए कि जॉन पकड़ा गया और आजकल हर जगह पुलिस आ रही, कुछ तो नई बात है, तुम्हारा जूता का साइज भी बदल गया है, तुम्हारी शक्ल वही लेकिन तुम पुलिस का आदमी।
अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते, और पूछता है उस पर हमला करते हुए, तुम कौन हो बताओ। यहाँ शेखर चिंगली को मारता है, तो वहीं वो भी दोनों में मारपीट सेंस और चिंगली मर जाता है। अब यहाँ सूजी पिस्तौल के निशाने पर शेखर को लिए सब देख सुन रही है, कहती है इसे भी रास्ते से हटा दिया, बताओ तुम कौन हो, मैं 5 तक गिनूंगी फिर गोली चला दूंगी। ये सब देखकर शेखर सूजी को बताता है कि मैं माइक नहीं, लेकिन मैं माइक का भाई हूँ। सारी बात सच सच बता देता है वो सूजी को, कहता है आगे कि माइक जेल में है, मैंने तुमसे माइक बनकर तुमसे नाजायज फायदा नहीं उठाया सूजी, अगर मैं बदमाशों को पुलिस के हवाले कर सका तो वो माइक को छोड़ देंगे। माइक के लिए प्रेम दीवानी सूजी ये सुनकर खुश हो जाती है कि माइक को पुलिस छोड़ देगी। इतनी ही देर में वोंग का प्रवेश। अब वोंग भी सब सच जान गया है। अब अगले सीन में जहां माइक जेल में है, वहां उसकी हालत खराब होती जा रही है, उसे कहीं बड़े अस्पताल ले जाने की तैयारी। अब एम्बुलेंस में माइक और पुलिस हॉस्पिटल जाते हुए माइक को अचानक एम्बुलेंस की एक गाड़ी से जोरदार टक्कर हो जाती है। माइक दरवाजे से बाहर गिर जाता है। तेज बारिश, सूनी रात, किसी तरह होश में चलकर आगे बढ़ता है असल माइक, और सामने है रीता की कार। रीता अपना शेखर समझ उसे गाड़ी में बैठा लेती है, घर ले आती है। होश आता है शेखर को, तो वो पूछता है मैं कहाँ हूँ। रीता बताती है कहाँ है, मैं रीता, लेकिन वो तो माइक है। रीता उससे कहती है, शेखर समझ रही है वो उसे चूकी, कहती है इंस्पेक्टर दत्त ने क्या हालत कर दी है तुम्हारी, अब मैं तुम्हें चाइना टाउन होटल नहीं जाने दूंगी कभी भी। अब माइक सोच में कि ये सब कह क्या रही है। रीता इंस्पेक्टर दत्त को कॉल कर बताती है कि किस हालत में सड़क से वो शेखर को उठाकर घर लाई है, और शेखर को बताती है कि पुलिस इंस्पेक्टर आ रहे हैं, अब उनकी बातों में हरगिज ना आना, यहाँ से मत जाना। अब माइक ये सुन परेशान कि पुलिस आ रही। अब माइक चालाकी से रीता को अपने साथ चलने के लिए कहता है, पुलिस आएगी तो मुझे पकड़ ही लेगी, तुम चलो मेरे साथ। माइक और रीता गाड़ी में पहुंच जाता है अड्डे पर। वोंग मिलता है यहाँ। यहाँ रीता को सब समझ में आ जाता है कि ये तो माइक है। वोंग बताता है कि पुलिस वाला शेखर तुमसे बिल्कुल मिलता है, हमने उसे खत्म करने का ऑर्डर दे दिया है। अब रीता परेशान। इंस्पेक्टर दत्त आते हैं रीता के घर, पता चलता है शेखर के साथ चली गई है रीता। अब अड्डे पर असल शेखर को बांधे हुए और माइक सामने। शेखर बताता है तुम्हारा नाम माइक नहीं शंकर है, बताता है मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, चाइना टाउन गिरोह से है। अब माइक शेखर के बंधे हाथ खोल देता है, कहता है लो तुम्हारा दुश्मन सामने है। यहाँ शेखर अपनी माँ के बारे में बताता है, सारी बात बताता है। माइक उसे मारता भी है। शेखर कहता है मान जाओ तुम शंकर हो, मेरे भाई हो। इतने में सूजी आती है, वो माइक को बताती है यही सच है, ये तुम्हारा भाई है। शेखर फिर से उस तूफानी रात के बारे में बताता है कि वोंग और विक्टर तुम्हें माँ से छीन ले गए थे, हमारी माँ चिल्लाती रही शंकर शंकर शंकर, सब याद दिलाता है और माइक को सब याद आ जाता है। दोनों भाई गले लगते हैं। सूजी कहती है माइक तुम्हारे भाई को मर्डर करने का हुक्म दिया जा चुका है। माइक कहता है सूजी और शेखर तुम दोनों यहीं छुप जाओ, मैं अभी रीता को लेकर आता हूँ। रीता ने ही मुझे शेखर समझ बचाया है, मैं ही उसे यहाँ तक लाया हूँ। अब अगले दृश्य में वोंग रीता के मुंह पर पट्टी बांधे ले जाते हुए अपने बॉस के पास एक खुफिया सुरंग की ओर, जिसका पता उसे अभी अभी बॉस ने बताया। यही बात वो बताता है माइक को। अब वोंग रीता को ले उस ओर, वहीं छुपे हुए हैं शेखर और रीता भी, और माइक भी वोंग के पीछे चुपके से। अब ये तीनों खुफिया रास्ता देख लेते हैं। माइक कहता है शेखर से कि अब हम बॉस तक पहुंच जाएंगे, बदला लेना है अब उससे अपने पिता की मौत का। अब माइक कहता है सूजी को तुम जाओ पुलिस को बताओ। सूजी माइक का कहना मान चली जाती है। यहाँ सूजी के जाने से पहले माइक का एक संवाद है सूजी से, वो ये कि जीवन भर मैं तुमसे नफरत दिखाता रहा, लेकिन अब वापस मिलने पर मैं अपना प्यार दिखाऊंगा तुम्हें। अगला दृश्य, अब शेखर और माइक वोंग और रीता के पीछे पीछे। माइक शेखर को वहीं रुकवा रीता और वोंग के पीछे पीछे।
पानी के रास्ते से दोनों के पास, और वोंग को खूब पीटता है वो, और सब बात बचपन वाली दोहराता है कि तुमने मेरी माँ से मुझे छीन लिया। वोंग को खत्म कर रीता को बताता है माइक कि ये शेखर है, मेरा भाई। वोंग को खत्म करने के बाद अब बॉस तक पहुंचने में रीता की मदद चाहिए, जिसके लिए रीता सहर्ष हाँ कर देती है। अगला दृश्य, एक परछाई, एक आदमी हैट पहने, माइक की वहां एंट्री। वो परछाई से आवाज गुंजायमान, माइक तुम, मैंने वोंग को यहाँ आने को मना किया था। माइक कहता है, मैंने सोचा खिदमत का मौका है, छूटना नहीं चाहिए। लड़की बेहोश हो गई है। वो बेहोश रीता को लेटा देता है। आवाज आती है, अब तुम वापस चले जाओ। और तभी रीता को जहाँ लेटाया हुआ होता है वो जगह, दीवार खुल, अंदर वापस, दीवार नुमा दरवाजा बंद हो जाता है। माइक घबरा जाता है, कुर्सी फेंकता है परछाई की ओर, शीशा टूटता है। एक व्यक्ति हैट पहने, इसका मैं क्या मतलब समझूं माइक? माइक कहता है, यही कि आज तुम्हारे इशारों पर चलने वाला माइक नहीं, शंकर तुम्हारे सामने खड़ा है। तुम्हारे आदमियों ने मेरा किडनैप किया, बचपन में यहाँ ले आए, मेरे पिताजी का कत्ल कर दिया, आज बदला लेने आया हूँ। दूसरी ओर से बॉस की आवाज आती है, तुम्हारी गद्दारी की सजा। बस इतना ही कहते ही बिजली बोर्ड से स्विच ऑफ कर देता है शेखर, जो दूसरी ओर है। अंधेरा हो जाता है, गोली चलने की आवाज बेहोश रीता की ओर। बॉस समझता है रीता ने ही स्विच ऑफ किया है, उसे उठाने को जबरदस्ती कहता है और ले चलता है शेखर पीछे पीछे भाई शंकर के पास। शंकर को गोली लगी है, सिर्फ बाजू में गोली लगी है। वो कहता है, मेरी चिंता मत करो, पुलिस आती ही होगी, तुम जाके रीता को बचाओ। पुलिस आती है, वो गोली लगे माइक को शेखर समझ लेती है और शेखर शेखर कहकर संबोधित करती है। लेकिन माइक कहता है, शेखर नहीं, मैं शंकर, और शंकर ही माइक है। दोनों इंस्पेक्टर हैरान। फिर माइक उर्फ शंकर आगे बताता है कि शेखर और रीता बॉस के पीछे गए हैं, वहां जाओ, मेरे भाई की जान बचाओ। अब अगला दृश्य, गाड़ी में बॉस ड्राइविंग सीट पर, साथ रीता पिस्तौल की नोक पर और बाइक पर, पीछे पीछे शेखर, पुलिस जीप भी पीछे। बॉस रीता को कहीं ले जाता है, जहां का दृश्य है वो हावड़ा ब्रिज का। हावड़ा ब्रिज के नीचे की ओर का दृश्य है, बोट पर ले जाकर बांध देता है। शेखर किसी तरह जान की बाजी लगा वहां पहुंचता है और अंततः उसी बोट पर ऊपर की ओर छलांग लगा देता है। उस बोट में बॉस और शेखर की लड़ाई के दृश्य हैं यहाँ। उधर रीता किसी तरह अपने बंधे हाथ व शरीर खोलने में समर्थ, बॉस और शेखर पानी में। यहाँ भी मारपीट के दृश्य दोनों के। फिर एक जगह चढ़ जाते हैं, मारपिटाई की फिर से दृश्य, और बॉस को पीट पीट कर घायल कर देता है शेखर। अब पुलिस भी बोट पर, रीता के हाथ भी खुले हैं। रीता बोट का चक्र घुमा किसी तरह समर्थ हो जाती है शंकर और बॉस के पास आने में। बदमाश बॉस पकड़ा जाता है। यहां अंतिम दृश्यों का सुंदर मिश्रण दृष्टिगोचर। बोट पर शेखर और रीता खुशी पूर्वक मिलते हुए। अगले दृश्य में जेल में शंकर, सामने है माँ, रोती माँ को चुप कराते शंकर कह रहे, माँ 3 साल की कैद तो क्या, शैतान से इंसान बनने के लिए बार बार भी जन्म लेना पड़े तो भी कम है। यहाँ सूजी भी है। शंकर उससे कहता है, हो सके तो मेरा इंतजार करना। वो कहता है सूजी से, ये रोने का समय नहीं, मुस्कुराने का समय है। और दूसरी ओर खड़े हैं रीता के पिताजी, रीता, केशटो और शेखर। आगे शंकर उनसे कहता है, शेखर अगली बार आओ तो ऐसे आना कि मैं रीता को अपनी भाभी कह सकूं। इस बात पर तुरंत रीता के पिता खुशी पूर्वक कहते हैं, इस बात की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। शेखर कहता है, सच ससुर जी? इस पर पिता कहते हैं, वादा करो कि होटल में नहीं गाओगे अब कभी भी। तभी इंस्पेक्टर कहते हैं, अब ये पुलिस के लिए काम करेंगे। और अब फिल्म का बिल्कुल अंतिम दृश्य, शंकर जेल में एक सुंदर मुस्कान के साथ, बाकी सब वापसी की ओर।
और घोड़ा गाड़ी में शेखर और रीता, आगे घोड़ा गाड़ी चालक, ये दोनों पीछे बैठे हैं। पार्श्व में पुनः गीत गुंजायमान। हमसे न पूछो हम कहाँ चले, ये दिल जहाँ ले चला वहाँ चले। नजारे पीछे पीछे बहारे पीछे पीछे, दीवानों का जिधर कार वो चले। हमसे न पूछो हम कहाँ। और साथियों यही होता है हैप्पी द एंड 1962 प्रदर्शित फिल्म चाइना टाउन का। मित्रों वर्ष 1962 प्रदर्शित चाइना टाउन फिल्म की कहानी से उद्धृत थी 1978 प्रदर्शित अमिताभ बच्चन अभिनीत फिल्म डॉन। और हाँ, चाइना टाउन गीतों में प्रयुक्त शब्द यम्मा यम्मा यहाँ तो लोकप्रिय रहा ही, साथ ही आगे जाकर वर्ष 1980 में बनी फिल्म शान के एक गीत में भी बखूबी इस्तेमाल हुआ और एक सदाबहार शब्द के रूप में सजा। जी हाँ, शब्द यम्मा यम्मा। और टार्लियो सॉन्ग में बार बार देखो आगे जाकर गीत भी बना इन शब्दों से और फिल्म का शीर्षक भी बना बार बार देखो। तो साथियों ये तो थी कहानी 1962 प्रदर्शित फिल्म चाइना टाउन की आज के सिनेमा घर में। और अब आज का सिनेमा घर कार्यक्रम अब समाप्त होता है। अपने मित्र नीता अग्रवाल को अनुमति दें, नमस्कार। हमसे न पूछो हम कहाँ चले, हमसे न पूछो हम कहाँ चले। अरे ओ सांभा, कितना इनाम रखे है सरकार हम पर? पूरे 50,000। सुना, पूरे 50,000। और ये इनाम इसलिए है के यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव, जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा, सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। सांसों का परफ्यूम है ये डाबर रेड पे फ्रेश जेल, हर एक जेल से कूल है ये डाबर रेड पे फ्रेश जेल। नया डाबर रेड बे फ्रेश जेल, सासों का परफ्यूम। सुन रहे हैं विविध भारती FM 106.4 मेगाहर्ट्ज पर। अगला कार्यक्रम पल पल दिल के पास, जिसके लिए बस थोड़ा सा इंतजार। कार्यक्रम में आप सुनते हैं नॉन स्टॉप फिल्मी गाने। रहो दूर